नमस्कार। शहर के लोकप्रिय न्यूज चैनल सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम खबरों को लेकर मैं निशा बर्णवाल। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। जिले में फिर पाए गए 10 कोरोना पॉजिटिव, हरकत में आया स्वास्थ्य महकमा, सिविल सर्जन ने जारी किए निर्देश। बधारा के पास टेम्पो और बाइक में हुई टक्कर में 3 लोग हुए घायल, इलाज के दौरान महिला की हुई मौत, गमगीन दिखा माहौल। 100 साल पुराने पचम्बा गौशाला मेले में लगी रोक, कोरोना महामारी की वजह से नहीं लगा मेला, विधिवत रूप से की गई पूजा अर्चना। और मोंगिया ग्रीन फाउंडेशन के प्रशिक्षण केंद्र में पहुंची दिल्ली की भाजपा नेत्री श्वेता सिन्हा, महिलाओं के की हौसला अफजाई, कंबल और मिठाई के पैकेट का किया वितरण। और अब खबरें विस्तार से। गिरिडीह स्वास्थ्य विभाग ने करीब 2 माह बाद पिछले 5 दिनों का रिकॉर्ड जारी किया है, जिसमें जिले में 10 कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसको लेकर सिविल सर्जन डॉक्टर सिद्धार्थ सान्याल ने चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों समेत अन्य को अब अलर्ट मोड में रहने का सुझाव दिया है। कोरोना ने एक बार फिर गिरिडीह में पांव फैलाना शुरू कर दिया है। त्योहारों में मिली छूट के बाद स्वास्थ्य विभाग ने करीब 2 माह बाद पिछले 5 दिनों का रिकॉर्ड जारी किया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार जिले में 10 नए कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। 5 दिनों के भीतर 10 नए कोरोना के मामले आने से सिविल सर्जन डॉक्टर सिद्धार्थ सान्याल ने भी चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों को अब अलर्ट मोड में रहने का सुझाव दिया है। वैसे स्वास्थ्य विभाग 5 दिनों के अंदर आए इन 10 केस को फिलहाल सामान्य ही बता रहा है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग का यह भी मानना है कि अगर लापरवाही बरती गई तो परेशानी बढ़ सकती है। 10 नए केस में सदर प्रखंड के 4, गांडे के 1, बिरनी के 1, देवरी के 2 सहित अन्य संक्रमित शामिल हैं। संक्रमितों को आइसोलेशन सेंटर में शिफ्ट करने की प्रक्रिया जारी है। कोरोना महामारी की वजह से इस साल पचम्बा गौशाला मेले का आयोजन नहीं किया जाएगा। रविवार को गौशाला में सामान्य रूप से पूजा पाठ कर इसकी औपचारिकता पूरी की गई। कोरोना महामारी ने 100 वर्ष पुराने मेले पर ब्रेक लगा दिया है। कोविड-19 को लेकर इस वर्ष पचम्बा गौशाला मेला का आयोजन नहीं किया जा रहा है। रविवार को गौशाला में सामान्य रूप से पूजा पाठ कर इसकी औपचारिकता पूरी की गई। बताया गया कि पिछले 100 वर्षों से पचम्बा में गौवंश की पूजा के बाद 10 दिवसीय भव्य मेले का आयोजन किया जाता था, लेकिन इस बार सिर्फ गौशाला में पूजा पाठ की जा रही है। परंपरा का निर्वहन करते हुए गौशाला समिति ने पूजा अर्चना के बाद गायों को गुड़ और खाने की अन्य सामग्री दी। मौके पर सचिव ध्रुव संथालिया, रमन केडिया, प्रदीप डोकानिया, अरविंद विकास खेतान, सतीश चूड़ीवाला सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। ॐ श्री राधा वल्लभाय च विद्महे कृष्णाय पत्न्यै च धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्। हरि तुम को दाता, मैया जी को जो को ज्ञाता, आज गोपाष्टमी का उत्सव है। आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण गायों को चराने के लिए विधिवत रूप से पूजा अर्चन करके जंगल गायों को लेके गए थे। नंद बाबा ने उनकी जीत पर आज ही के दिन गायों की पूजा कर उनको चराने के लिए गाय सौंपी थी, और इसी उपलक्ष्य में हम लोग गोपाष्टमी का उत्सव मनाते हैं। इस बार गोपाष्टमी का मेला कोरोना के कारण नहीं लग पाया, ये अफसोस की बात है। नहीं तो 8 दिन का जो मेला लगता था वो एक उत्सव के रूप में हम लोग मनाते थे, और पिछले 122 साल से लगातार मनाया जा रहा है।
गौ माता का आशीर्वाद रहा और भगवान का आशीर्वाद रहा, तो चप्पल क्या अगले साल पुनः हम लोग पूरी धूमधाम के साथ गोपाष्टमी का उत्सव मनाएंगे और पूरी जोर शोर से मनाएंगे। इस बार हम लोग गौ पूजन कर इस कार्यक्रम को आज मना रहे हैं। सबको, सभी शहरवासियों को गोपाष्टमी की शुभकामनाएं। गोपाष्टमी है, समस्त गिरिडीह वासियों को गोपाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत ही अफसोस की बात है कि कोरोना की वजह से इस बार गौशाला मेला, जो पूरे झारखंड में, पूरे बिहार में गिरिडीह का गौशाला प्रसिद्ध है, गौशाला मेला वो नहीं लग पाया और इससे गौ माता को लालन पालन में कुछ आर्थिक आय भी होती थी, बढ़ोतरी होती थी, लेकिन अफसोस है इसको अन्य स्रोतों से हम लोग ये करने की कोशिश करेंगे, सामंजस्य करने की कोशिश करेंगे और एक बार पुनः सबको हार्दिक। दिल्ली की भाजपा नेत्री स्वता सिन्हा रविवार को बरमसिया स्थित मुंगिया ग्रुप के अगरबत्ती निर्माण प्रशिक्षण और उत्पादन केंद्र पहुंची और प्रशिक्षण ले रही महिलाओं से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी आत्मनिर्भर भारत योजना को गिरिडीह में गति दिए जाने को लेकर मुंगिया ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर गुणवंत सिंह मुंगिया के प्रति आभार भी प्रकट किया। मोंगिया ग्रुप के बरमसिया स्थित अगरबत्ती निर्माण प्रशिक्षण और उत्पाद केंद्र में रविवार को अचानक दिल्ली की भाजपा नेत्री श्वेता सिन्हा पहुंची और प्रशिक्षण ले रही महिलाओं से मुलाकात की। मौके पर महिलाओं ने श्रीमती सिन्हा का गर्मजोशी से स्वागत किया और उन्हें हस्तनिर्मित अगरबत्ती को बुके के शेप में प्रदान किया। महिला नेत्री के साथ उनके पति चंदन सिन्हा भी मौजूद थे। इस दौरान श्रीमती सिन्हा ने बारी बारी से सभी महिलाओं से मिलकर उनका हालचाल लिया और महिलाओं को कंबल और मिठाई का पैकेट देकर उन्हें शुभकामनाएं दी। बताया गया कि श्रीमती सिन्हा मूल रूप से गिरिडीह के प्रोफेसर कॉलोनी की निवासी है और पिछले कुछ सालों से दिल्ली में रह रही हैं। बताया गया कि भाजपा दिल्ली प्रदेश के सोशल मीडिया सेल से इनका जुड़ाव है और यह दिल्ली में सोशल मीडिया पर एक फायर ब्रांड नेत्री के रूप में जानी जाती है। इस बाबत श्वेता ने कहा कि छठ के मौके पर वे अपने घर आई हुई थी। यहां पहुंचने पर इन्हें पता चला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी आत्मनिर्भर भारत योजना को गिरिडीह में मोंगिया ग्रुप के द्वारा गति दी जा रही है। इसको लेकर श्वेता ने सबसे पहले मोंगिया ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया के प्रति आभार प्रकट किया। कहा कि केंद्र सरकार की इस अति महत्वपूर्ण योजना को गति देने के लिए डॉक्टर गुणवंत बधाई के पात्र हैं। श्वेता ने महिलाओं को शुभकामना देते हुए इन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। मौके पर श्वेता ने कहा कि गिरिडीह जैसे छोटे शहरों में महिलाओं को कम अवसर मिल पाता है, ऐसे में मोंगिया ग्रीन फाउंडेशन का यह प्रयास निश्चित रूप से अनुकरणीय है और अन्य औद्योगिक इकाइयों को भी ऐसी योजनाओं में बढ़ चढ़ कर आगे आने की दरकार है। मौके पर प्रोजेक्ट हेड अभिषेक सहाय, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर प्रतीक्षा शर्मा, टीम लीडर मुन्नी देवी, ट्रेनर दिव्या सिन्हा, अंकिता कुमारी समेत अन्य कई लोग मौजूद रहे। नहीं मिला है, सिर्फ नाम लिखवा दीजिए। मुझे आज ये सौभाग्य मिला। मैं श्वेता सिन्हा दिल्ली प्रदेश से, मैं भाजपा के लिए थोड़ा कुछ करना चाहती हूँ। भाजपा के लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है मोदी जी का जो भी आगे अभियान रहता है, जैसे उन्होंने आत्मनिर्भर भारत को गति दिया है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पर भी मेरे, मैं एक्चुअली गिरिडीह से ही बिलोंग करती हूँ, तो यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लगा कि गिरिडीह में मुंगिया ग्रुप के जो हैं गुणवंत सिंह मुंगिया जी, उन्होंने आत्मनिर्भर भारत को गति दिया है उन्होंने यहाँ पे, और जो महिलाएं हैं उनको काम करने का मौका दिया। इससे क्या होता है कि हमारे देश में बेरोजगारी भी कम होगी। ये मोदी जी का अभियान मुझे बहुत अच्छा लगा और उसको गुणवंत जी इस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे गुणवंत जी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ।
और इन महिलाओं का प्रोत्साहन को प्रोत्साहन देने के लिए आज मैं कंबल वितरित करी हूँ और चाहूँगी कि इसी उत्साह के साथ ये सारी महिलाएं आगे भी कार्य करती रहें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा मिलकर काम करें। आप सबको यही है और महिलाओं को जोड़ें और काम करें ताकि हमारे देश से बेरोज़गारी ख़त्म हो और भी और औरतों को जोड़ें। तो यही सब मुझे आज मौका मिला, ये करने का सौभाग्य मिला, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और सिटी न्यूज़ को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। छठ महापर्व की समाप्ति के बाद घाटों की साफ सफाई में नगर निगम द्वारा खाना पूर्ति की जा रही है। अर्घा घाट में अधिकांश कचरे को नदी के पानी में ही बहा दिया जा रहा था, लेकिन मीडिया में मामला आने के बाद नगर निगम सक्रिय हुआ और साफ सफाई की कार्रवाई शुरू की गई। छठ महापर्व की समाप्ति के बाद अर्घा घाट समेत सभी छठ घाटों में कूड़े कचरे का अंबार लग गया था। नगर निगम की ओर से सभी घाटों में साफ सफाई की गई। हालांकि अर्घा घाट में साफ सफाई के दौरान खाना पूर्ति देखने को मिली। अधिकांश कचरे को नदी के पानी में ही बहा दिया गया। हालांकि हमारा कैमरा देखते ही निगम कर्मी सक्रिय हुए और कचरे को डस्टबिन में उठाकर ट्रैक्टर में डालकर चलते बने। इस बाबत स्थानीय निवासी गोविंद यादव ने कहा कि नगर निगम और मीडिया के लोग इसके लिए बधाई के पात्र हैं। मीडिया में मामला सामने आने के बाद नगर निगम सक्रिय हुआ और साफ सफाई की कार्रवाई शुरू की गई। क्या मामला था? मामला था कि छठ पूजा मेला में बहुत ही गंदगी हो गया था। सिटी न्यूज़ को दिखाने के बाद नगर निगम प्रोएक्टिव होकर के अपना सफाई कर्मी भेज करके सफ कराए और नगर निगम का अपने तरफ से बहुत ही धन्यवाद करते हैं और सिटी न्यूज़ को भी बहुत धन्यवाद करते हैं। हरसिंह रायडी पंचायत स्थित बुढ़ियाडीह फुटबॉल मैदान में सूरज ट्रेडर्स की ओर से एक दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। टूर्नामेंट में कुल 8 टीमों ने हिस्सा लिया। वहीं मैच के बाद विजेता और उपविजेता टीम को पुरस्कृत भी किया गया। गिरिडीह के हरसिंह रायडी पंचायत स्थित बुढ़ियाडीह फुटबॉल मैदान में सूरज ट्रेडर्स की ओर से एक दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। मैच का उद्घाटन वार्ड नंबर 36 के वार्ड पार्षद पप्पू रजक ने विधिवत रूप से किया। यहां मुख्य अतिथि के रूप में समाज सेवी योगेश्वर महतो, अजय महतो, सूरज कुमार वर्मा, आकाश कुमार एवं पूर्णानगर पंचायत मुखिया प्रतिनिधि अरुण कुमार साव मौजूद रहे। मैच में कुल 8 टीमों ने हिस्सा लिया। यहां उद्घाटन मैच चपरगोड़ा और गंगापुर की टीम के बीच खेला गया, जिसमें गंगापुर की टीम ने जीत हासिल की। फाइनल मुकाबला नौकाडीह की टीम और स्टार क्लब पथलजोर के बीच खेला गया। दोनों टीमों ने शानदार प्रदर्शन किया। अंत में स्टार क्लब ने नौकाडीह की टीम को पराजित कर खिताब पर अपना कब्जा जमा लिया। मैच के बाद विजेता और उपविजेता दोनों ही टीमों को पुरस्कृत किया गया। मैच के सफल आयोजन में सुरेश मुर्मू, विजय मुर्मू, अजय चौड़े, कालचंद महतो समेत कमेटी के अन्य सदस्य की भूमिका सराहनीय बनी रही। और यहाँ पर पहला मुकाबला के रूप में देखने को मिलेंगे के लिए।
जिम्मेदारी को किसी बोलने का प्रयास करता हुआ हमारे सूर्य की हमारे गंगापुर को ज्यादा तालियों के साथ स्वागत घोड़ा की टीम को उसके बाद चलिए रानी टीम को यहाँ पर सम्मानित करते हुए पुनः एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए यहाँ पर हमारे आज के एक दूसरे टेबल फुटबॉल टूर्नामेंट के रनर के रूप में सामने भर कराए हमारे नावगढ़िया की टीम तमाम मिस्टर अजीत मुकाबले में जीत हासिल करते हुए फाइनल में अपने जगह को सुनिश्चित किए और जीत हासिल करते हुए प्रबल दावेदारी के तौर पर सामने भर कराए और जीत हासिल करते हुए हमारे मिस्टर अजीत मिस्टर अजय मिस्टर सुरेश मिस्टर कालाचंद सभी अपने हाथों से सम्मानित करेंगे कार प्लेयर्स सभी के साथ यहां पर अपने हाथों से सम्मानित करते हुए यहां पर अपने हाथों से सम्मानित करते हुए हमारे तमाम लेवल प्लेयर्स यहाँ पर अपने हाथों से सम्मानित करते हुए मिस्टर विजय जी मिस्टर जागेश्वर माथुर जी मिस्टर अजय माथुर जी मिस्टर सूरज कुमार वर्मा जी सभी यहाँ पर मौजूद हैं और अपने हाथों से खेल में जो 8 टीम भाग लिए थे उसमें फर्स्ट पर आज का पहिदार बने एसटी स्टार क्लब पत्थर जोर और रनर के रूप में नावकाडिया के खिलाड़ी विजय प्राप्त किए और इसमें कहना चाहूंगा 8 टीम जो खेले उसमें सभी टीम जीतने के अभाव से खेले और जीत तो किसी एक के ही होती है सो अपना मन को कभी निराश ना करें फिर अगला बार इसी तरह हम लोग और तो बहुत अच्छी बात होगी इसलिए मैं हमेशा योगदान देने के लिए तैयार हूँ और यहाँ के उद्योगपतियों को भी इस ओर आकर्षित करने का एक सुझाव मेरा है श्री मुंगिया जी मुंगिया स्टील भी आने के लिए उत्सुक था लेकिन उनके पास समय नहीं था जब MLA साहब आते तो आते अगला आयोजन में हम लोग यथाशीघ्र योगदान देने का प्रयास कर घोरतंबा ओपी क्षेत्र के बलहारा में टेम्पो और बाइक की टक्कर में धनवार थाना क्षेत्र के करगाली निवासी शकुंतला देवी की मौत हो गई वहीं अन्य दो घायल हैं दोनों घायलों को इलाज के लिए धनबाद ले जाया गया वहीं पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है घोरतंबा ओपी क्षेत्र के बलहारा उप स्वास्थ्य केंद्र के पास टेम्पो और बाइक में हुई टक्कर में टेम्पो में सवार धनवार थाना क्षेत्र के करगाली निवासी प्रमोद मोदी की पत्नी शकुंतला देवी व बाइक में सवार बलहारा निवासी सुरेश दास व खुशी दास घायल हो गए तीनों घायलों को इलाज के लिए धनबाद ले जाया गया जहां से महिला को रिम्स रेफर कर दिया गया जहां इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई रविवार को महिला के शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल गिरिडीह में करवाया गया घटना के संबंध में बताया गया कि सुरेश व खुशी बाइक से छठ का प्रसाद देकर कठारा आम से अपने घर लौट रहे थे इसी दौरान बलहारा उप स्वास्थ्य केंद्र के पास टेम्पो ने बाइक में ठोकर मार दी घटना के बाद दोनों वाहन पलट गई वहीं टेम्पो चालक फरार हो गया टेम्पो चालक करगाली का बताया जा रहा है इधर सूचना मिलते ही घोरतंबा पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों वाहनों को जब्त कर थाना ले आई पुलिस ने कहा कि आवेदन के आधार पर कार्रवाई की जाएगी कहाँ कराने वाले थे करगाली खुर्द कौन सा थाना धनवार थाना क्या हुआ था एक्सीडेंट हुआ था खुद का ऑटो था इनका लड़का चला के जा रहा था सामने से एक मोटरसाइकिल आया उसमें दो सवारी थे और दोनों नशे में धुत थे और दोनों ने टेम्पो के बीचों बीच टक्कर मारा जिससे मतलब मोटरसाइकिल का जो आगे का जो पोजीशन होता है उससे इनको पूरा चोट जख्मी मतलब ये हो गई और साथ ही ड्राइवर जो था ऑटो वाला इनका लड़का वो ब्रेक मारने के चक्कर में कुछ मिस्टेक हुआ होगा जिससे मतलब ऑटो भी पलट गया इनको काफ़ी चोट आया उसके बाद पुलिस प्रशासन आई वहाँ पर और उनको धनवार जो सदर अस्पताल है वहाँ पे लेकर के एम्बुलेंस से गए फिर वहाँ से रेफर किया धनबाद धनबाद से रेफर कर दिया रांची रांची जाने के क्रम में ही
रास्ते में इनका डेथ हुआ। हालांकि वहाँ पे पहुँचा रिम्स अस्पताल में, वहाँ डॉक्टर ने शिनाख्त करके मतलब क्लियर किया कि वो डेथ कर दी। पपरवाटाड़ स्थित भाजपा अनुसूचित मोर्चा के जिला महामंत्री उमेश दास के कार्यालय में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के वीर सेनानी और वीरांगना झलकारी बाई की जयंती मनाई गई। इस दौरान भाजपा नेता सुनील कुमार पासवान ने झलकारी देवी की जीवनी पर प्रकाश डाला और उन्हें नमन किया। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चा के जिला महामंत्री उमेश दास के पपरवाटार स्थित कार्यालय में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के वीर सेनानी और वीरांगना झलकारी बाई की जयंती मनाई गई। इस दौरान भाजपा नेता सुनील पासवान ने झलकारी देवी की जीवनी पर प्रकाश डाला और कहा कि 1857 की लड़ाई में झांसी पर अंग्रेजों ने हमला कर दिया था। झांसी का किला अभेद्य था, पर रानी का एक सेनानायक गद्दार निकला। नतीजतन अंग्रेज किले तक पहुंचने में कामयाब रहे। जब रानी लक्ष्मीबाई घिर गई तो झलकारी ने रानी को वहां से निकाला और खुद उनके वेश में लड़ती रही। इस तरह झलकारी देवी ने रानी लक्ष्मीबाई के जीवन की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। ऐसी वीरांगना को सत सत नमन है। मौके पर उमेश दास, मुद्रिका देवी, लक्ष्मी देवी, पवन मंडल, केसरी राणा, राजेंद्र, प्रदीप कुमार, गुड़िया देवी आदि मौजूद रहीं। उस समय जो है एक दलित परिवार में इनके हस्बैंड जो थे उसी सेना में थे, एक सिपाही थे और उनका नाम था पूरन कोहली। पूरन कोहली का जब इनका विवाह हुआ उसके बाद उसी सेना में रानी लक्ष्मीबाई वाहिनी की सेना की सेनापति ये थी झलकारी बाई जी, जो जिन्होंने की 1857 के लड़ाई में और इनका शक्ल जो था हम शक्ल था रानी लक्ष्मीबाई से मिल इन पे टूट पड़ा और उस समय ये अपने आदम्य तसाहत का परिचय देते हुए इन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को अपने एक राजा को बचाने का काम किया। नाम तो रानी लक्ष्मीबाई का हुआ लेकिन वो वीरांगना थी झलकारी बाई। और जिस समय रानी लक्ष्मीबाई निकल गई उस किले से और सेनापति होकर के जब अंग्रेजों ने रानी लक्ष्मीबाई को घेर लिया, झांसी का जो किला था, किला में जब अंग्रेजों ने रानी लक्ष्मीबाई को घेर लिया तब इन्होंने अपना झलकारी बाई ने अपने वीरता का परिचय दिखाते हुए रानी लक्ष्मीबाई के भेष में आकर के अंग्रेजों से लड़ना शुरू कर दिया। और जब अंग्रेजों ने समझा कि रानी राजा को बचाने के लिए उसके भेष में और उसका वेशभूषा में पहन करके और युद्ध में उतरती थी, अंग्रेजों से लड़ती थी और बुंदेलखंड में बुंदेलखंड के सारे लोगों से लेकर के जब इनका जन्म हुआ था मात्र कम आयु में ही 27 वर्ष की। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चा की ओर से इस देश की वैसी वीरांगना जो कि किसी अनुसूचित परिवार में दलित परिवार में जन्म लेकर के झांसी के आंदोलन को जो रानी लक्ष्मीबाई जिसका नाम हम लोग पूरा ये करते हैं प्रथम स्वतंत्रता सेनानी, प्रथम स्वतंत्रता जो लड़ाई हुई थी देश को आजाद करने में 1857। खोखरा थाना क्षेत्र के पोखरना निवासी बेनी सिंह व भिकन सिंह के साथ कुछ लोगों ने मारपीट कर उन्हें घायल कर दिया। फिलहाल दोनों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। वहीं घटना को लेकर थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। खोखरा थाना क्षेत्र के पोखरना गांव निवासी 60 वर्षीय बेनी सिंह और 14 वर्षीय भिकन सिंह के साथ कुछ लोगों ने मारपीट कर उन्हें घायल कर दिया। घायल अवस्था में दोनों को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया जहां फिलहाल दोनों का इलाज चल रहा है। बताया गया कि भिकन सिंह 15 नवंबर की रात 17,000 रुपए लेकर अपने घर लौट रहा था। इसी दौरान रास्ते में जुआ खेल रहे प्रीतम सिंह ने इसे पकड़ लिया और पैसे छीन कर धमकी दी कि अगर इसने इस बात की जानकारी घर में दी तो इसे जान से मार देगा। इस वजह से 4 दिन बीत जाने के बाद भी भिकन ने घर वालों को इस बात की जानकारी नहीं दी। जब पिता ने कड़ाई से पूछताछ की तब जाकर भिकन ने सारी बात बताई, जिसके बाद भिकन अपने पिता के साथ प्रीतम सिंह के घर गया तो प्रीतम के मामा जयदेव सिंह ने दोनों के साथ मारपीट की। घटना में दोनों घायल हो गए। दोनों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। बताया गया कि सभी एक ही गांव के रहने वाले हैं। मामले की शिकायत थाने में की जा चुकी है। क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, कहाँ कराने वाला है? कौन सा थाना? क्या हुआ था? ऐसे पैसा मेरा पास था तो ले लिया था, मैं सोचा था कहीं ले लिया तो बोला घर कहा चलो घर पैसा देंगे इधर चलो
घर जाएंगे पहले घर से पूछेंगे तब मैं आए घर तो घर में नहीं जाने दिए नहीं जा हम लोग नहीं तो यहाँ पर मारने लगे। कौन मारा था? एक पीड़ित। कितना पैसा छीना? 17। कहाँ घर है? खरना। कौन सा थाना? कुखरा। क्या हुआ था? पैसा छीन लिया इस बच्चा को। कौन छीन लिया? प्रीतम सिंह। क्या क्यों छीन लिया, क्या कारण था? कारण उसका कोई कारण नहीं है, पैसा बना नहीं इसको हम दिए घर लाने के लिए और वो पैसा वाला जुहाड़ी है वो पैसा साहब छीन लिया इसको और बोला कि जल्दी गार्जियन को बोले कि चाल से खत्म कर। कितना पैसा था? 17। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी स्वास्थ्य विभाग सोशल मीडिया के वाइस चेयरमैन ने ठीक ढंग से काम नहीं करने पर 9 जिला कोऑर्डिनेटर को उनके पद से मुक्त कर दिया है। इस बाबत उन्होंने कहा कि कांग्रेस की विचारधारा पर नहीं चलने वाले लोगों को पार्टी बाहर का रास्ता दिखाएगी। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी स्वास्थ्य विभाग सोशल मीडिया के वाइस चेयरमैन वाहिद अली खान ने 9 जिला कोऑर्डिनेटर को अपने पद से मुक्त कर दिया है। इस बाबत वाहिद अली खान ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में रहकर भाजपा की मानसिकता वाले लोगों को पार्टी में कतई जगह नहीं दी जाएगी। सोशल मीडिया का काम है पार्टी को झारखंड के अंदर एक मजबूती प्रदान करना। कांग्रेस में रहकर कांग्रेस की विचारधारा पर नहीं चलने वाले लोगों को पार्टी बाहर का रास्ता दिखाएगी। बताया गया कि नियुक्त किए गए जिला कोऑर्डिनेटर अपना काम ठीक ढंग से नहीं कर रहे थे जिस कारण उन्हें पद से मुक्त कर दिया गया है। जिन 9 लोगों को पदमुक्त किया गया है उनमें डॉक्टर जय आलम, मासूम सरवर, शिवशंकर, अमित पांडे, प्रोफेसर मंदसौर मनपहरी, अरमान अंसारी, अली खान, सैफ अली खान, अंकित सिंह आदि शामिल हैं। वाहिद खान ने कहा कि जितने भी लोग सोशल मीडिया टीम में हैं वे सभी अपना काम पूरी ईमानदारी से करें और पार्टी को एक नई पहचान दें। पद लेकर अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करने वालों को ऐसे ही पदमुक्त किया जाएगा। कहा कि अब जल्द ही 24 जिला कोऑर्डिनेटर की नियुक्ति की जाएगी। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी सोशल मीडिया टीम में कुछ बदलाव किए गए हैं। बहुत सारे लोगों को जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बनाए गए थे उन्हें लगातार पार्टी ने संपर्क करने का प्रयास किया। पूरी सोशल मीडिया की टीम ने इन लोगों से संपर्क करने का प्रयास किया लेकिन इन लोगों से कोई संपर्क नहीं हो पाया, जिसे तत्काल इन्हें पार्टी से पद मुक्त किया जाता है, जिसमें कोडरमा के जिला कोऑर्डिनेटर डॉक्टर जे आलम, धनबाद के जिला कोऑर्डिनेटर डॉक्टर मंसूर सरवर, गुमला के जिला कोऑर्डिनेटर शिवशंकर, साहेबगंज के अमित पांडे, हजारीबाग के प्रोफेसर मंदूर मनपहरी, पश्चिम सिंहभूम के अरमान अंसारी, गिरिडीह के अली खान, देवघर के सैफ अली खान, चतरा के अंकित सिंह को इन्हें जो पद दिया गया था इनसे मुक्त कर दिया गया है। और झारखंड में सोशल मीडिया के माध्यम से एक नई पहचान हेल्थ डिपार्टमेंट को देने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं और जिसे भी पद दिया जा रहा है उस पर उनको खरा उतरना पड़ेगा। हम लोग मंथली रिपोर्ट ले रहे हैं, अगर जो काम नहीं करेंगे उन्हें तुरंत पार्टी से बाहर कर दिया जा रहा है। अभी जो पदमुक्त किए गए उनके जगह पर फिर किन्हें चुनाव कब होगा? बहुत जल्द हम लोग का टीम जो है खोज कर रही है, वहाँ पर बेहतर सदस्य को हम लोग वहाँ पर कोऑर्डिनेटर बनाएंगे। तो चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। जिले में फिर पाए गए 10 कोरोना पॉजिटिव, हरकत में आया स्वास्थ्य महकमा, सिविल सर्जन ने जारी किए निर्देश। बधारा के पास टेम्पो और बाइक में हुई टक्कर में 3 लोग हुए घायल, इलाज के दौरान महिला की हुई मौत, गमगीन दिखा माहौल। 100 साल पुराने पचम्बा गौशाला मेले में लगी रोक, कोरोना महामारी की वजह से नहीं लगा मेला, विधिवत रूप से की गई पूजा अर्चना। और मोंगिया ग्रीन फाउंडेशन के प्रशिक्षण केंद्र में पहुंची दिल्ली की भाजपा नेत्री श्वेता सिन्हा, महिलाओं के की हौसला अफजाई, कंबल और मिठाई के पैकेट का किया वितरण। तो दर्शकों ये था हमारा आज का न्यूज अंक। आज के अंक में बस इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।